ग्राहक नहीं आएगा ये तू भी मरेगा। मरेगा नहीं, मैं फकीर है, पैसा नहीं है। नमस्ते, कैसे हैं आप? तो मैं कोतुनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। मेरे साथ विकास सर हैं। कैसे हैं सर? बस जी बढ़िया है, मजे में हैं। हाँ जी, तो आपका साथ है तो बहुत बढ़िया है। कितने साल हो गए विकास जी? मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पर। 7 साल हो गए? हाँ जी। उससे पहले मैं इंडोनेशिया था। अच्छा, तो आप मतलब क्या संभालते हैं यहाँ पे नॉर्मली? यहाँ पे मैं मार्केट, बैंक और ऑपरेशन संभालते हैं। पोर्ट का ऑपरेशन, मार्केट, बैंक। तो विकास जी हैं नागपुर से। खूबसूरत शहर है ये आपका। शहर बहुत खूबसूरत है सर, सबसे अच्छी है। सड़कें इतनी खूबसूरत बनी हुई है ना। ये मस्जिद बनी हुई है, अच्छी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे एक लोकल मार्केट है, तो अभी हम लोकल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं क्लॉथ मार्केट में। क्लॉथ मार्केट ये सब इंडियंस की दुकान है? सब सारे इंडियंस की दुकान है। ये सब गुजराती हैं क्या सर? ये उधर से आपके राजस्थान वाले हैं ना, अजमेर बेलो। अच्छा, मोस्टली अजमेर से। सिंधी लोग। कपड़ा ये जो यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल कपड़ा ये भी इंडिया से आता है? इंडिया से आता है, चाइना से आता है। अच्छा, इंडिया और चाइना से आता है। इधर साइड में, राइट साइड में ये जो दिख रहा है, हाँ? ये सेकंड क्लॉथ का मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट। ओके, सारा सेकंड हैंड मार्केट। यहाँ तो वही ज़्यादा चलता है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, 200-250 दुकानें हैं और 1 किलोमीटर के लंबे एरिया में है। सब जगह हमारे लोग बैठे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं इन दुकानों में। ये दुकान पे आ गया, देखता हूँ भाई और की दुकान पे। कैसे हैं भाई साहब? आपका शुभ नाम? लखन। आपका? सचिन। हमारे विकास जी पहले ही अंदर आ गए। आप कहाँ से? अजमेर से। अजमेर भाई। ये पूरी दुकान पे कब्जा अजमेर का है? हाँ, अजमेर का है पूरा दुकान पे। क्या बात है भाई। ख्याल में वेस्ट अफ्रीका में सिंधी लोगों का ही कब्जा है? गुजराती है, सिंधी लोगों का है, वो भी ज्यादातर अजमेर जयपुर से। हाँ। अरे भाई यार, ये कपड़े का इतना खूबसूरत डिजाइन, ये सब इम्पोर्ट कहाँ से करते हो? ये और बताओ। चाइना से इम्पोर्ट होता है सारा? चाइना, इंडिया। अच्छा, इंडिया में तो भीलवाड़ा वाला है क्या? नहीं, इंडिया से वहाँ से जेतपुर है। जेतपुर से, गुजरात से। जेतपुर, ओके। और ये पूरा चाइना का माल है। और ये डिजाइन कैसे बनाते हैं? लोकल टेस्ट बनाते हैं। नहीं, इस लोकल ये पहनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? लेडीज पहनती है तो इसको अदम्पा। और ये कलर का चूज कैसे करते हैं? वैसे चाइना से हम भी डिजाइन बनाते हैं, चाइना में भी डिजाइन अवेलेबल होती है, उसमें डिजाइन बनाते हैं। लेडीज और जेंट्स सेम ही पहनते हैं लगभग? हाँ, कलर का डिफरेंट होता है, कोई लेडीज कलर होता है, कोई जेंट्स कलर होते हैं। तो जेंट्स कलर कौन से रहते हैं नॉर्मली? जेंट्स कलर जैसे ये ऊपर का जेंट्स कलर है वो वाला। हाँ, वो जेंट्स कलर है। आगे का जेंट्स कलर है, ये जेंट्स कलर है। ब्लू पहनते हैं, ब्लू जेंट्स ज्यादा पहनते हैं। बाकी यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, ऐसे। तो ये कम्युनिटी वाइज तो डिफरेंस नहीं होगा ना? जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम सब यही पहनते हैं? सब सेम पहनते हैं, सब सेम कपड़े पहनते हैं, कपड़े का कोई डिफरेंस नहीं है। और वैसे नॉर्मली प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस होता है 6,000 से 5 नियर बाय $10। $10 मतलब 800। कितने मीटर? 6 मीटर का थान आता है। 6 मीटर ये सारे 6 मीटर के थान है। नहीं, 6 मीटर का है कि मतलब एक पैकेट में 60 मीटर। अच्छा, 10 आते हैं। बाकी कंपनी से 6 मीटर का ही कपड़ा कट के आता है। 100 रुपये मीटर हो गया। हाँ, 6 मीटर मतलब ये 2 जने पहन सकते हैं। अच्छा, 6 मीटर को 2 जने पहन सकते हैं। अगर ग्रो है तो 1.5, अगर बच्चा है और माँ पहन सकती है। अच्छा, दोनों में क्या हुआ है? सही है भाई साहब। कब आए आप यहाँ से? अभी मैं न्यू हूँ, 7-8 महीने हो चुके हैं। अच्छा, अभी नॉलेज ले रहे हैं। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे अपने? हमारी 2 दुकानें और वैसे पूरी इंडियंस की मार्केट में कम से कम 1,500 दुकानें हैं। 1,500 सारी कपड़े की? सारी कपड़े की, पूरा कपड़े। ये कपड़ा कहीं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं, यहाँ से नाइजीरिया जाता है, सेनेगल जाता है और अबीजान, लोमे, यहीं से जाता है सब। ये बेस है अपन, जैसे इंडिया में सूरत होता है, सूरत का ये बेस है। यहाँ पे जो कपड़ा है ओरिजिनल कपड़ा तो यहाँ से डिजाइन है, पूरे अफ्रीका में फैलती है, कॉपी होती है। ये मेन बेस है। ओके, कपास तो होती है यहाँ पे? कपास होती है, वो एक्सपोर्ट होती है। वो कपास अलग है, ये ग्रे से बनता है। वाइट ग्रे होता है। ग्रे क्या होता है? ग्रे होता है, थान होता है व्हाइट का रोल, उसके उस पर डिजाइन बनाते हैं। चलो यार, थैंक यू सो मच भाई, नई नॉलेज मिली हमको और अब सब भाइयों को। क्यों विकास जी? बराबर। तो भाई ये तो कपड़े का था और अब देखते हैं कुछ और भी है क्या सर जी? चावल का वो तो मार्केट है, वो तो सारा यहाँ मतलब मोस्टली इम्पोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट क्या होता है यहाँ से? यहाँ से काजू होता है, सोयाबीन होता है, कॉटन होता है और वुड होता है। वुड वो मेन बेस बिजनेस है। भाई से तो जान ले लिया, भाई बोला कि कॉफी पी के जाना है तो मैं कॉफी बना रहे हैं ताऊ जी। कॉफी शुगर कम डालना चाचा। चाचा यू नो द चाचा less sugar. Sugar. हाँ यार मिमी चलो सर हिंदी में बात करती है। नमस्ते कैसे हैं आप? कस्टमर आते हैं ना कस्टमर उनको जब हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि कितना देना है इसको तो बोलेगी 5 कितना पाँच बोलेगी 2000 गिनती कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे वाह क्या हाल है? अच्छे बढ़िया ही बढ़िया। कभी इंडिया गया है? मैं चला गया इंडिया, पैसा नहीं है। इंडिया में पैसा नहीं है? बचा दो। हाँ मैं फकीर है, पैसा नहीं है। देखो बड़ा साहब जी यही अकेला खाना से पैसा, मैं कुछ नहीं खाना। माफ करना भैया ये क्या है राम सती पति, मैं नहीं समझू। राम सती पति अगर ये आसमां अत्याचार या ऐसा या कभी राज कर रहे हैं वो जिनकी होगी ताकत अपुर जिनका होगा निशान या है जो करेंगे का सरबनाश बोलो वो कहे लाएंगे तुम समझ गए ना। पैसा नहीं। नाम तो बताते जाओ। हमारा नाम सोनधीर। सनीदेओल। हाँ अच्छा गदर का डायलॉग तो सुना दे फिर। नहीं सुना दे बड़ा साहब। ठाकुर तो गयो। अच्छा तू गयो? मैं बच्चे ठाकुर तो गयो। ठाकुर तो गयो ठंडा नहीं है देखा। ठंडा नहीं है कोई नहीं है। ठंडा नहीं है। ठंडा है आएगा ठंडा ठंडा है। ग्राहक नहीं आएगा ये तू भी मरेगा। मरेगा नहीं तू भी मरेगा। पूरी हिंदी समझा रखी है इसमें तो पूरा सीखा हुआ है ये। देखिए कैसे हिंदी बोलता है ये। बड़े फ्लुएंट बोलता है। पूरी बोलता है। बहुत रेयरली बोल पाते हैं लोग ऐसे फ्लुएंट। मार्केट में भी एक सब्जी वाली है वो भी हिंदी बोलती है। सब्जी वाली सब्जी मार्केट को घुमा जाओ ना। महादेव कॉमर्शियल जर्नल है नाम अच्छा रखा यार। तो ये सब दुकानें इंडियंस की हैं क्या वैसे? और ये देखो दारू देखते इसने कैसे बेच रही है। ये खाली है कि दारू है? हैं ओपनली दारू बेच रही है। अरे ये पड़ोसी ये क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है? इधर आओ चल। नाम देखो आशा और सोनू को मिला के आशा सोनू बना दिया। मियाँ बीबी का नाम होगा। किस चीज़ का काम है? इनका यही है लिकर और वाटर। दारू बेचते हैं। ये इनका है नहीं है इनका खुद का ही काम है। अच्छा अभी इन्होंने कम कर दिया थोड़ा गवर्नमेंट के चक्कर में। ये इसमें जो गलियों में लाइन है जैसे पीछे लाइन गई वो चावल की लाइन है। अच्छा ये लाइन भी पूरी चावल की है। ये पूरी लाइन चावल की है। मेन लाइन है तीसरी लाइन ये चावल की मेन लाइन। अरे मकान ही बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पे। ये गोदाम है क्या लोगों के? नहीं गोदाम पीछे साइड में है सामने दुकान है। अच्छा अच्छा ये सारे नमकीन बेचते हैं बोतलों में डाल के। ये सही है ना इसमें मॉइस्चर नहीं आते। बिल्डिंगें बड़ी जबरदस्त बनाई है। ये हमारे लोगों ने बनाई है कि इनके लोकल है? ये भी एक बड़ा क्लाइंट है उसकी है। अच्छा अच्छा डूबा हुआ करके ऊपर का बनाया नहीं इसमें नीचे। अच्छा नीचे अच्छा का। तो यहाँ पे इस गली जैसी 5 गली हैं और एक में कपड़ा एक में चावल एक में जो लोकल हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो ये सब बिकती हैं भाई। और मैक्सिमम जो चावल और जो कपड़ा है वो इंडियन चलाते हैं। बाकी चीज़ें सब बाकी चाइनीज़ हैं और टर्किश लोग। लेबनीज़ नहीं है क्या यहाँ पे? लेबनीज़ भी हैं लेकिन टर्की से आता है जैसे मैदा आता है टर्की से आता है। अच्छा अच्छा लेबनान वगैरह उधर से जूस आता है। ओके मोरक्को से जूस आता है। ओह टॉफ़ी वगैरह इंडोनेशिया से आती है इंडिया से आती है। अच्छा हाँ जी बिस्किट्स वगैरह हो गई। हाँ कोका फेंटा जो ड्रिंक है। अच्छा अच्छा वो सारा नाइजीरिया लोमे बेनिन लोकल प्रोडक्शन है। तो ये टोपा मार्केट आ गई है। ओके ये मेन रोड है इस टोपा मार्केट का। ये सब लेडीज अपना माल बेच रही हैं छोटा सा। देखिए हमारी माताएं भी यहाँ पे मार्केट में सामान खरीदने आई हुई है। ये सब चाइनीज प्रोडक्ट है। चाइनीज है सेकेंड हैंड है कपड़े जो है सेकेंड हैंड लगभग। अच्छा बाकी चाइनीज प्रोडक्ट है जितना भी बेच रहे चप्पल है ये जितना कॉस्मेटिक का सामान है। ये करेंसी चेंज करने वाले रास्ते पे खड़े मिलेंगे। हाँ जी ये क्या डॉलर चेंज करते हैं क्या? नेरा सेफा नाइजीरिया से आते हैं ना कस्टमर। ये चाइनीज घर है किसी का घर है उनका ही शॉप है। तो चाइनीज रहते भी काफ़ी हैं यहाँ पे। चाइनीज़ ने काफ़ी कैप्चर कर रखा है यहाँ पे। सिटी सेंटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो है नाइजीरियन नीरा और यहाँ का सिफा का एक्सचेंज होता है। आपको यहाँ पे हर कोई पैसे लेके और चेंज करने के लिए देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। सिटी जो है आपको पीली पीली दिखेगी। ये जितने भी बाइक वाले हैं इनकी ड्रेस कोड है, यहाँ पे पीली जो जैकेट है उनका रजिस्ट्रेशन के साथ में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके बैग पे लिखा होता है। देखिए ये जो बैग पे लिखा हुआ है, ये वही लेक आ गई जो लास्ट वीडियो में आपने देखी है। यहाँ से बस 1 किलोमीटर आगे समुंदर है, समुंदर में मिल जाती है जाके। और यहाँ पे तार खींच दिए ताकि लोग अंदर ना जाएं, गंदा ना करें। उसके बावजूद भी काफ़ी लोग अंदर बैठे हैं। इनका लोकल ट्रांसपोर्ट सही है। ये क्या बोलते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट को? ये वाला बसी केकेनो, छोटी ये बाइक को बोलते हैं ना केकेनो। केकेनो बाइक को बोलते हैं, केकेनो बोलते हैं बाइक को। जैसे देखो इसका जिमेजा, तो देखना इसका कितने नाम हैं बाइक के ना, मतलब बोडा बोडा, मोटो, केकेनो और भी कई कंट्रीज में अलग अलग नाम है बाइकों के। मतलब बाइक एज ए टैक्सी चलती है ना। पुलिस वाले आर्मी पुल के नीचे सिक्योरिटी के पर्पज से टेंट लगा के आर्मी लेटे हुए है।